आप सभी का स्वागत है होम एंड मचमोर में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ एंड आई होप ये आपकी भी काम में आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको गोल स्टफ्ड पराठा बेलने में दिक्कत आती है, फिर वो आलू का पराठा हो या कोई भी टाइप का, तो आप इस तरह से स्क्वायर पराठा बना सकते हैं। बड़ी सी एक रोटी बेले और बीच में स्टफिंग रख के जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसे फिर हल्का सा बेल लें। अब ये चीज़ अगर आपको नॉर्मल राउंड स्टफ्ड पराठे में दिक्कत आती है तब तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होती है कि कोई स्टफिंग जो होती है वेजिटेबल वाली वो बहुत ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो ऐसे में भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली जब लूज़ हो जाए स्टफिंग तो आप पहले बड़ी सी रोटी बेलें ताकि स्क्वायर बनाने के बाद भी आपको ज़्यादा बेलना ना पड़े। बस पराठे का शेप अलग होगा, स्टफिंग तो वही होगी जो आप हमेशा बनाते हैं। इस रेसिपी में फ़िलहाल मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। आपका सबसे फेवरेट पराठा कौन सा है? मुझे तो कभी भी आलू का पराठा अच्छा लगता है, वैसे बाकी भी अच्छे होते हैं स्टफ्ड पराठे, पर आलू का आई थिंक एवरग्रीन टाइप का पराठा है जो कभी भी खाओ अच्छा ही लगता है। अगर आप मक्खन से घर पर घी बनाते हैं तो जब थोड़ा सा मक्खन पिघल जाए इसमें आप 2 से 3 जो लौंग होती है वो डाल दें। कई लोग कड़ी पत्ता और कुछ और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम लौंग यूज़ करते हैं। लौंग डालने की वजह से घी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है और ज़्यादा दिन घी टिकता भी है। और इतनी लौंग डालने के बाद घी का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता या फिर मसाले वाला घी है, ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने लौंग का यूज़ किया, कुछ लोग कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं। क्या इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ है जो आप घी बनाते समय डालते हैं? अगर हाँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हैं। अचार आजकल प्लास्टिक के डब्बों में बिकता है, प्लास्टिक की थैलियों में बिकता है, घर में भी आप प्लास्टिक में रख ही सकते हैं, लेकिन अचार को अगर आप ज़्यादा अच्छे से स्टोर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ग्लास या सिरेमिक बेटर ऑप्शन है। तो आप अलग से ही ग्लास जार खरीदे ऐसा नहीं है, कोई भी घर में किसी और चीज़ का, आपका जैम का, चटनी का अगर जार है तो एकदम उबलते पानी में उसे रख के आप पहले स्टेरिलाइज कर लें, अच्छे से पोंछ लें, और उसके बाद आप अगर नया अचार बना रहे हैं या फिर प्लास्टिक से शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अचार खत्म हो जाने के बाद जब आप इस बर्नी को धोएंगे, अच्छे से स्टरलाइज करेंगे तो बिल्कुल भी पहले के अचार की स्मेल नहीं होगी, लेकिन प्लास्टिक से तेल की, मसाले की स्मेल निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। खाने के साथ प्याज खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, फिर वो सिरके वाला हो या नॉर्मल प्याज हो। नॉर्मल प्याज खाते समय ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम अच्छा मीठा प्याज ही निकलेगा, कई बार प्याज तीखा निकलता है। वैसे तीखा हो या मीठा, जैसे भी आप प्याज को कट करें, लंबाई में कट करें या फिर गोल डिस्क्स में कट करें, खाने के साथ इसे परोसने से पहले आप एक बोल में पानी लें और पानी में प्याज को डालकर रख दें। अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका ये प्याज, तो प्याज का तीखापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा कुछ देर इसे पानी में रखने की वजह से। बस 5-10 मिनट आप प्याज को पानी में रखें और उसके बाद अपने खाने के साथ परोसें। लंच और डिनर के बीच जो 4-5 बजे का टाइम होता है तब बहुत भूख लगने लगती है और हर बार रेडीमेड ड्राइड फ्राइड स्नैक खाने का मन भी नहीं होता, कई बार लगता है कि कुछ गरम गरम अच्छा खाएं। तो ऐसे में अगर फटाफट आपको कुछ बनाना है तो आप इस तरह का एकदम बेसिक सा प्याज टमाटर लहसुन अदरक का मसाला बनाएं। तो यहाँ पर मैं केवल इन्हें फ्राई कर रही हूँ, मिर्च है, प्याड़गिया कश्मीरी डाल रही हूँ कलर के लिए, पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा पानी। बस ऐसे करके अगर आप ये मसाले का पेस्ट बना देंगे, टाइम पे बनाएं या पहले ही बनाकर रखें, तो आप इससे एक बहुत ही सिंपल सी टेस्टी सी डिश बना सकते हैं जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। बस यहाँ पर ये मसाला मेरा रेडी हो गया है, आपको इस तरह से प्लेट में ही बिछाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल डेकोरेशन के लिए, गार्निशिंग के लिए ऐसा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाले हैं खारी या पफ, अब हमारे यहाँ इसे खारी कहा जाता है, पफ भी कहते हैं इसे, पर पैकेट पे भी खारी लिखा होता है, चाय के साथ इसे खाया जाता है डुबाकर। आप क्या इसे क्या कहते हैं, अगर कुछ अलग नाम से बोलते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। तो बस मसाले में आप इस खारी को टॉस करें, खारी ऑलरेडी बनी हुई है, केवल वही खारी बोरिंग चाय के साथ खाने की बजाय आप ये डिश ट्राई कर सकते हैं। बाहर से मसालेदार, थोड़ी सी सॉफ्ट और अंदर क्रिस्पी, और साथ में आप गर्मा गर्म चाय परोस सकते हैं।
ठंड का मौसम है और ऐसे टाइम पे मटर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो मटर को आप प्रिजर्व कर सकते हैं साल भर यूज़ करने के हिसाब से। तो अच्छे से पानी में आप उबाल आने दें, लगभग 1 से 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक डालें और पानी जब पूरी तरह से गर्म हो जाए इसमें डालें आप मटर। अब मटर को हमें बहुत देर तक उबालना नहीं है, केवल 2 से 3 मिनट ही चलाना है बस। इसके बाद आप गैस बंद करें और मटर को तुरंत ठंडे पानी में डाल दें ताकि ये और पके ना। नमक और चीनी डालने की वजह से मटर का कलर बहुत अच्छा हरा होता है। कई लोग बिना हल्का सा ब्लांच किए मटर को ऐसे ही फ्रीज करना भी प्रेफर करते हैं, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है हल्का सा आप इन्हें बॉयल भी नहीं, हमने ब्लांच किया है, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो कलर ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्ट भी मटर का ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस कपड़े पर फैलाकर आप इसे थोड़ा सा ड्राई कर लें 15-20 मिनट और फिर एक जिपलॉक पाउच में या फिर एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। जिपलॉक पाउच का ये फायदा है कि काफ़ी फ्लैट होता है और बाद में ये जब फ्रीज हो जाएंगे तो इन्हें अलग करके आपको जितना चाहिए ये निकालना ईजी हो जाता है। बड़े से डब्बे में अगर आप भर देंगे तो एक ब्लॉक का ब्लॉक बन सकता है, इसलिए पाउच आप यूज़ करें। अब जब भी आपको साल भर में मटर चाहिए होंगे तो फटाफट आपके पास मटर हैंडी होंगे आपके फ्रीजर में। तो ये थी मेरी कुछ यूज़फुल किचन टिप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।